स्केल का लीडर है, वो कौन सा बड़ा लीडर है एक और जिसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है? आप गिटों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता, वो काफी अच्छा, हमें भी को पाकिस्तान को भी ऐसा लीडर मिल जाए। पीएम मोदी को जानते हैं, जय वाला के मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है। के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं, हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना, हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं, मैं खुद बेईमान हूँ अपने साथ। मतलब वो अच्छा बंदा है, वो काफी अच्छा, हमें भी को पाकिस्तान को भी ऐसा लीडर मिल जाए। तो हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि लीडर्स को आप जेल में कर देंगे, हीरोज को जीरो कर देंगे और जीरोज को हीरो बना के ले आएंगे। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब ने मुंह दर मुंह यानी कि फेस टू फेस वो जो एक समिट और कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस दौरान उन्होंने ये पूरी दुनिया को कहा कि रशिया को कहा कि ये जंग का ईरानी है, ये कोई बात नहीं है कि आपने उठा के किसी पे हमला कर दें या जंग स्टार्ट करें, ये जंग के दौर में। दुनिया क्या कह रही है मोदी के बारे में? जो हम कह रहे हैं वही दुनिया कह रही है। हम नहीं सर, ये आप कह रहे हैं। अभी भी मैं चार बंदों से पूछूंगी वो कत्लेआम का कातिल कहेगा उसको, मतलब हमें पर बताया ऐसे गया, हमें दिखाया ऐसा गया, क्या वजूहत है सर? हमें दिखाया कुछ और जाता और रियलिटी कुछ होती, हमारी तरीक ही देख लें। जी जी, वो अगर हमें ये चीजें नहीं दिखाएंगे तो फिर इनके वजूद खत्म हो जाएगा, इनका जवाब खत्म हो जाएगा, जिन लोगों ने हमें बताया हुआ है। अगर सपोज ये कश्मीर का इशू खत्म कर दिया जाए तो फिर जवाब खत्म हो जाएगा और फिर इन लोगों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। अफसोस की बात है सर। हाँ जी, तो हम ये 22 करोड़ आवाम यहाँ पे गुलाम है, ये जिंदा लाशें फिर रही है, इनमें से इंसान आपको कौन नजर आता है, कौन है जो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं? इंडिया के अंदर मुसलमान जो है वो बड़े ज्यादा डिप्राइड है, परेशान है, और हमारा क्या हाल है? हमारा उनसे भी अब तक हाल है, हम भी एक तरह से गुलाम ही है। हमें आप देख लें, किसी को कोई आजादी है? पाकिस्तान में कोई आजादी नाम की चीज है? हम गुलाम है, हमें किसी को नहीं पता कि रात को किसको उठा लिया जाए, किसके बच्चों को उठा लिया जाए और किसको जेलों में डाल दिया जाए। और कोई यहाँ पे कानून नाम की चीज नहीं है, बडेरे का कानून है, ताकतवर का कानून है, और वो जो गरीब है वो तो कानून के अंदर ही है ना, वो उसका कोई परेशानी नहीं। सारी अंग्रेजों की जो रजीम थी, जो अंग्रेजों की पॉलिसीज थी या अंग्रेजों के जो कानून थे उसे खत्म कर दिया। लास्ट टाइम उसने कहा कि अब यहाँ पर अंग्रेजों का कोई कानून नहीं होगा, जो कानून थे वो खत्म करके उसने अपने कानून बनाए। क्या उसने अच्छा किया? उसने अच्छा किया, अपने कानून होने चाहिए ना, हमारे यहाँ भी इस्लामी कानून नाफाज होना चाहिए उनका। आप देख ले, हमारा जो एक आप किसी अच्छे खासे शरीफ बंदे पे केस कर दे, उसकी 3 नसरें रुल जाएंगे और केस नहीं खत्म होगा। आप देख ले, ऊपर से लेकर नीचे तक इंसाफ नाम की चीज है। इंडिया कैसे ग्रो करके, क्या वहाँ इंसाफ है, जस्टिस है? इंडिया के देखे जी, लीडर पे बेस करता है और उसके बाद लीडर का एक विजन होता है, एक मिशन होता है और फिर वो अपनी कौम को साथ लेके चलता है। हमारे यहाँ भी लीडर आया था, उसका विजन था, मिशन था, मगर सारे चोर डाकू उसके साथ मिल गए और फिर जब उसे पता चला तो उसने निकालना शुरू किया और फिर जाहिर बात है जो बैरूनी फंडिंग पे पाकिस्तान चलता है और जिन्होंने फंडिंग देनी है अगर उनको आप बोलेंगे एब्सोल्युटली नॉट, वो तो फिर आपको जेल के अंदर ही करवाएंगे। फिर आप जाते जाते पीएम मोदी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? पीएम मोदी ठीक है जी, हमारे दुश्मन मुल्क का है लेकिन ये है कि उसने अपने मुल्क को तरक्की दी है, वेल डन मोदी, और हम इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हमें भी कोई ऐसा हुक्मरान मिले जो पाकिस्तान को शोहरत की बुलंदियों पर ले जाए, तरक्की करवाए पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम के खैर खाओ हमारे हुक्मरान। पीएम मोदी को जानते हो? जी। किन लफ्जों में, क्या जानते हो? एज अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। कैसे लीडर है? अगर उसे देखा जाए पाकिस्तान की नजर से देखा जाए तो फिर तो वो गलत है, लेकिन उसके अगर आप देखें कि वो अपने अपने मुल्क के लिहाज से तो बड़ा अच्छा लीडर है उसके लिहाज से। आप कैसे जानते हो? इंडियन प्राइम मिनिस्टर। क्या एक्सप्लेन करोगे, क्या उनकी एक डेफिनेशन क्या दोगे, कैसे पीएम है? अगर हिंदुइज्म के हिसाब से देखें तो वो उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छा, सिर्फ हिंदुइज्म के लिहाज से? सिर्फ उसके हिसाब से। अच्छा। बाकी पाकिस्तान के हक में तो कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ ही है फिर सारे सारे दुनिया के, सिर्फ मोदी सारी दुनिया के खिलाफ है। हम तो कितने दिन से, बल्कि कितने साल हो गए, अब तो साला साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके, और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी?
ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफ है तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई और हमेशा ऐसा होता है, कोई ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसी लिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मरतबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरहद पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से वो बे इंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ हैं, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया के जो के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडेरिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे, ना तो उन्होंने रशिया की जो है वो मुखालफत की किसी के कहने पर, और बल्कि हमने ये देखा कि उन्होंने चीप ऑयल उसी दौरान उन्होंने धड़ाधड़ तेल खरीदा। अब देखिए जो प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है इंडिया के तेल खरीदने के बिना पर, ना सिर्फ ये कि रशिया को फायदा हुआ और रशिया ने इसका